मैं दवाइयां नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इंसानों की जिंदगी मांग रहा हूं। मेरा नाम ओमकार नाथ शर्मा है, मेरी उम्र 80 साल की है और लोग मुझे मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। पब्लिक से मांग मांग के गरीबों के लिए दवाइयां इकट्ठी करता हूं। अगर मेरे मांगने से किसी की जिंदगी बच रही है तो उसमें क्या परेशानी। जब मेट्रो लक्ष्मी नगर की चालू नहीं हुई थी तो उसका लेंटर नीचे गिर गया था, जो लेबर आदमी थे वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे, कुछ इंजर्ड हो गए थे। डॉक्टर को पता ये पेशेंट बचने वाला नहीं है, क्या बोलते हैं कि भैया ये दवाइयाँ हमारे पास आज सवेरे ख़त्म हो गई, आप बाजार से खरीद दीजिए। जो आदमी फुटपाथ पर रह रहा है वो पैसे कहाँ से लाएगा। तो दिमाग शोक सा लगता है कि यार क्या हो रहा है, दवाइयाँ तो करीब सभी घर में पड़ी हुई है, क्यों नहीं दवाइयों को इकट्ठा करके गरीब तक पहुँचाई जा। मैं सवेरे सवेरे करेक्शन कर लेके निकलता हूँ फील्ड के अंदर, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इन सभी जगह जाता हूँ। जैसे गली मोहल्ले में खड़ा हो गया आवाज़ लगाता हूँ, कोई आलू ले लो, बैंगन ले लो, सब्जी लो, होकर करते हैं सब्जी वाले, उसी तरीके में भी हाँ साहब है कोई बेकार की दवाइयों का दान करेगा जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। बहुत सुनो है बोला कि बेचेगा खाएगा क्या करेगा, मतलब नेगेटिव ज़्यादा बोले। हमने कसम खा ली कि हम उस आदमी को कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, नेगेटिव पे सोचना नहीं, बाकी काम अपना जो कर रहे हैं पॉजिटिव ये काम करता रहता है। मुझे दवाई के कुरियर करीब भारत में से सभी जगह से आते हैं और कई दफ़े विदेशों से भी आते हैं मेरे पास दवाई कुरियर। या चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है उसको हम डोनेट करते हैं, एम्स है या राम मनोहर लोहिया है, लेडी आर्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी हम डोनेट करते हैं। दवाई इतनी महंगी है कि हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि हम खरीद पाते, ये तो मेडिसिन बाबा की मेहरबानी है जो हमारा भाई ठीक हुआ और हमारे भाई की तरह हजारों लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं मेडिसिन बाबा की मेहरबानी से। योगदान सिर्फ उन्हीं का है जो मुझे दवाइयाँ डोनेट कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या रोल है, मेरा तो कुछ रोल नहीं है। आज से करीब 8 साल पहले मैं अकेला चला था, आज एक जन आंदोलन बन गया है और जन आंदोलन ठंडा नहीं होना चाहिए, भविष्य में बराबर चलता रहना चाहिए ताकि समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। INS विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हों तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।